नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आपने किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे कि Instagram, Twitter पर अपनी फोटो अपलोड की है और आप जब भी अपने गूगल इमेज पर सर्च करते हो अपना नाम या उससे रिलेटेड कोई वर्ड सर्च करते हो तो आपकी पिक्चर आ जाती होगी गूगल इमेज पर। और अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार हमारी बिना परमिशन के ही वो पिक्चर गूगल इमेज पर शो करने लगती है और हम चाहते हैं कि वो पिक्चर जो हमारी प्राइवेट पिक्चर है वो गूगल सर्च इमेज पर शो ना हो। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, उस पिक्चर को रिमूव यानी कि डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और ब्राउजर पर टाइप कीजिएगा रिमूव आउटडेट कॉन्टेंट, ठीक है ना। रिमूव आउटडेट कॉन्टेंट आपको लिखकर सर्च कर देना है गूगल पर, ठीक है ना। गूगल पर सर्च करने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ जाइएगा तो देखिए आपको चौथे या पांचवें नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर आपको लिखा मिलेगा रिमूव आउटडेटेड कॉन्टेक्ट गूगल सर्च हेल्प गूगल सपोर्ट, ठीक है ना। तो यहां पर ये लिंक जो आपको मिलेगी यहां पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे देखिए यहाँ पर आपको ब्लू कलर की एक होम पेज टाइप का आपका खोल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको रिमूव यानी कि डिलीट करने से रिलेटेड कुछ चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पर गो टू द रिमूव आउटडेटेड कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक किए देते हैं, यहाँ पर आपको ब्लू कलर में लिखा दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है रिमूव आउटडेटेड कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा तो नया टैब आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप अपनी सिंपली ईमेल आईडी जो भी आपकी हो उसे लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे ही आप रिमूव आउटडेटेड कॉन्टेक्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको पेज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको डिलीट कैसे करना है पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं एक नया टैब खोले लेता हूँ, वहां पर कोई पिक्चर कोई सा भी पिक्चर टाइप करता हूँ, ठीक है ना। गूगल पर गूगल इमेज पर कोई सी भी पिक्चर टाइप कर सर्च करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर किए देता हूँ सलमान खान, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इमेज बटन पर क्लिक किए देता हूँ तो देखिए यहाँ पर जैसे कि बहुत सारी फोटोस आ गई हैं। अब जाहिर सी बात है जो भी ये फोटो आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी अदर वेबसाइट या किसी अदर सोर्स के जरिए आपको कैप्चर करके यहाँ पर डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आपको यहाँ पर पिक्चर इमेज फोटोस मुहैया करवाई जाती हैं, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई भी आपकी पिक्चर इसी तरह से शो कर रही है तो उस पिक्चर पर सबसे पहले तो क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इमेज आपकी खुलकर सामने आ जाएगी, तो इमेज के ऊपर अपना माउस का कर्सर ले जाएगा और राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने पर कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। देखिए पांचवें नंबर पर आपको एक ऑप्शंस लिखा मिलेगा कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कॉपी लिंक एड्रेस के ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है, तो जो भी इस पिक्चर का यूआरएल एड्रेस होगा वो आपका कॉपी हो जाएगा। इसके बाद दोबारा उसी टैब पर वापस चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको वो यूआरएल कॉपी किया हुआ आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट रिमूवल, ठीक है ना, यहाँ पर बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रोसेस चलेगी, ठीक है ना। देखिए जैसे ही प्रोसेस चलेगी तो कुछ इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट बटन करते जाइएगा, आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करते जाइएगा। इसके बाद दोबारा आपसे यूआरएल मांगेगा तो उसी यूआरएल को दोबारा से डाल दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोबारा से क्लिक कर दीजिएगा नेक्स्ट या ओके बटन पर। इसके बाद आपको लिखा आ जाएगा थैंक यू फॉर सबमिशन, ठीक है ना। इसके बाद
ओके बटन पर प्रेस कीजिएगा, और जैसे ही आप ओके बटन पर प्रेस करोगे तो देखिए नीचे की तरफ आपको स्टेटस में आपको शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखेगा कि आपने कौन सी पिक्चर रिमूव करने की रिक्वेस्ट यहाँ पर डाली है, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पर दिख रही होगी, देखिए यहाँ पर पेंडिंग में आ रहा है आपकी रिक्वेस्ट। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है पेंडिंग, आपको ऑरेंज कलर से आपको लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पर पेंडिंग लिखा आ रहा है जहां पर मेरा माउस और कर्सर आ रहा है। जैसे ही ये पिक्चर हट जाएगी तो आपका यहाँ पर स्टेटस रिमूव लिखा आ जाएगा, ठीक है ना। स्टेटस में रिमूव्ड पिक्चर लिखा आ जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि अगर आप इस पिक्चर को हटाना नहीं चाहते हो और किसी पिक्चर को हटाना चाहते हो तो यहाँ से कैंसिल रिक्वेस्ट का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली यहाँ से रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, खासतौर पर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने इंस्टाग्राम में या फिर कहीं पर भी जैसे ट्विटर पर अपनी फोटोस अपलोड करती हैं तो यहाँ पर शो होने लगती है, ठीक है ना, और आप रिमूव करना चाहते हो तो इस तरीके से आप रिमूव भी कर सकोगे बड़ी ही आसानी से। लेकिन ध्यान रहे, जिस भी मान लीजिए जिस भी वेबसाइट के सोर्स से आपकी वो इमेज शो कर रही है उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है ना। जो भी जहां पर भी जो भी ईमेल आईडी आपने दे रखी है उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करके यहाँ से पिक्चर रिमूव कीजिएगा, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आपने ही उस पिक्चर को, मतलब कि जिसकी पिक्चर है उसी ने इस पिक्चर को हटाने की रिक्वेस्ट दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों को जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।